वेलकम बैक। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही होगी, बहुत ही मस्त और बिंदास जा रही होगी। भी जल्दी से सारे लोग कंफर्मेशन दे दीजिएगा कि आप लोग को ऑडियो और वीडियो दोनों जो है वो क्लियर थे कि जा रहा है या नहीं जा रहा है। ओके बोलो मैम, उसके लिए तो यूट्यूब चेक करना पड़ेगा। यस यस यस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बोल दिए थे क्या मैंने? गुड इवनिंग एवरीवन, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये आपका टेलीग्राम का चैनल है, आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो। क्योंकि देखो भाई मैम, अभी कल भी जो मैं सारे पीडीएफ थे मैम ने अभी नहीं दिए हैं, तो मैम सारे पीडीएफ जो है इस क्लास के बाद आपको कल वाली पीडीएफ भी अभी दे देंगी, और अभी जो क्लास हुई है इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। वेरी 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 गुड इवनिंग गाइज, चलिए बड़े सेशन की तरफ आओ। आते हैं अपने आज के पहले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है भाई, देखे जरा इसको। इन विच ईयर पहला प्रोविजन लाया गया था जुडिशियल, क्या कह रहा है? गिव मी अ सेकेंड। जुडिशियल पावर जो है भारत की धरती पे सबसे पहली बार ब्रिटिशर्स ने कब इनेबल किया था? इससे बड़ी बदनीसी भी हमारे जीवन में और कुछ ना हो सकती है कि हमारी ज़मीन पर इनको जो है ब्रिटिश को जुडिशियल पावर इंट्रोड्यूस करने की बात आन पड़े, है ना? मतलब बोलो मैम, बदनसीबी तो बहुत वक्त से चली आ रही थी, जैसे मुग़ल थे उससे पहले मैम डच तो उसके बाद ही आए थे, मुग़ल थे, उसके अलावा ये गजनी आया, गौरी आया, कितने सारे लोग आए, पूरी दिल्ली सल्तनत में विभिन्न प्रकार के गुलामों ने रूल किया हमारे ऊपर। अब इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता था? बाय द वे अगर हम ध्यान देंगे कि मैम जुडिशियल पावर जो है हमारे पास कब इंट्रोड्यूस करी थी उन्होंने, तो 1661। अब इसे तुम याद कैसे रख सकते हो बताओ मुझे? 1600 में ये भारत आए थे। कब आए थे भारत? 1600 में ब्रिटिशर्स भारत आना शुरू किए थे ना। कौन सी शिप थी इनकी? रेड ड्रैगन नाम की शिप थी इनकी, जिससे ये उड़ते उड़ते नहीं पानी में चलते चलते भारत आ गए थे। क्लियर मैम? अभी नहा के आई हैं क्या? अरे तुम्हें कैसे पता कि मैं अभी नहा के आई हूँ? गजब, क्या बात है तुम्हें, तुम अब समझ रहे हो, मतलब तुम अब ज्योतिष बन जाओगे धीरे धीरे। चलो आगे बढ़ते हैं। डन, आगे देखिएगा। किस प्रकार के कोर्ट को मर्ज किया गया था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट में 1861 में? अब दो बातें ध्यान दो। पहली चीज़, ये इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट लिखा है और लिखा है 1861 में, तो मैम को किस प्रकार की कोर्टों को मर्ज किया गया था? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नक्को, सुप्रीम कोर्ट सदर अदालत, मुंसिफ कोर्ट, या रेवेन्यू कोर्ट, या सिविल कोर्ट, बताओ। बाल गीले हैं मैम इसीलिए। अरे बाबा नजरें, सदर अदालत होगा मैम। हाँ मैम होगा मैम सदर अदालत, और सदर अदालत के साथ और किसको मर्ज किया गया था? सुप्रीम कोर्ट ने सदर अदालत को मैम मर्ज किया गया था। कब मर्ज किया गया था? तो मैम क्या बोला हमने मैम? सदर अदालत को मर्ज किया गया था, मुंसिफ कोर्ट नक्को, रेवेन्यू कोर्ट नहीं, सिविल कोर्ट नहीं, तो मैम क्या हो गया मैम? सुप्रीम कोर्ट को और मैम सदर अदालत को, तो बी ऑप्शन जो है अपना ये करेक्ट जाएगा। क्या बोला मैम? सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत दोनों को क्या कर दिया गया था? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के अंतर्गत मैम मर्ज कर दिया गया था, मतलब प्रेसिडेंसी कस्बों सदर अदालत को एक साथ मिला दिया गया, जिसमें कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास ये सब क्या थे? हाई कोर्ट थे ना आपके तीनों प्रेसिडेंसियों में। जो सबसे पहला आपका जो हाई कोर्ट खोला गया था वो कौन सा? इसी टाइम पीरियड पर, राइट। चलो आगे देखो, फेडरल कोर्ट जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया नई दिल्ली में कब? अब समझो मेरी बातों को, फेडरल कोर्ट जिसे आज आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट के नाम से, एक्चुअली यही वो फेडरल कोर्ट है जो उस टाइम पे 1935 में, अब समझो क्या पूछा है, उद्घाटन पूछा है। अगर पूछता कि कार्य कब से करना शुरू किया तो 1937 बोलते, 1 अक्टूबर 1937 से, लेकिन मैम स्थापित कब हुआ, उद्घाटन कब हुआ? 1935 में। क्या बोला मैम? 1935 में। और अगर मैं बोलती कार्य कब करना शुरू किया इसने, तो इसने अपना कार्य शुरू किया 1937 में। आज यही है जिसे आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट के नाम से, ठीक है? क्योंकि हाई सुप्रीम कोर्ट जो अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड पर लाई गई थी वो तो कलकत्ता में लाई गई थी। बात समझ में आई यहाँ तक मेरी? हाँ या ना?
अरे नहीं, मैं ना मतलब मुझे मैं वो वाली हूँ, कहते हैं कुछ लोग होते हैं जो दिन वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रात वाले एक्टिव लोग होते हैं। हाँ तो मेरा वो वाला सीन चलता है, दिन में मेरे हालत सही नहीं रहती है मेरी। ध्यान दो, अभी तो फिर भी तुम लोग की क्लास के चक्कर में सुबह 8 मतलब 7 बजे मैं उठ जाती हूँ, 6-7 बजे, तो मतलब समझ जाओ। वरना पहले तो मैं 10 बजे 11 बजे में कोर्ट मेरे 12 बजे बाद ही मेरा मैटर रहता था जनरली, तो मैं उसी वक्त पहुँचती थी 12 बजे 12:30 बजे। ध्यान दो, लैंड होल्डर सोसाइटी जो है ये किसके द्वारा फाउंड करी गई थी। अब एक बात तो समझ में आ चुकी है कि मैम अगर यहाँ पे लैंड होल्डर्स लिखा है तो मैम ये जमींदार थे जिनके पास अपनी ज़मीनें होंगी, है ना, या इनकी ज़मीनें होंगी, ये ज़मीन ओन करते होंगे मैम, ये घर अपना ओन करते होंगे। यस, हम बात करें किसके बारे में, द्वारकानाथ टैगोर के बारे में। इन्होंने सोसाइटी को क्या करा था मैम, खोजा था, फाउंड करा था, ठीक है, कलकत्ता में। ध्यान दीजिएगा, केसरी एक अखबार था, ये अखबार किसके द्वारा आपका चालू किया गया था, बताओ जल्दी से। मतलब इतने अंडररेटेड हैं कि आप लोग मैक्सिमम लोग इनके बारे में ज़्यादातर बातें जानते भी नहीं हो। आप बाकी नेताओं के बारे में जानते होंगे लेकिन इनके बारे में कभी पढ़ाई करके देखिएगा, आप सिर्फ एक चीज़ जानते कि एक्सट्रीमिस्ट पार्ट में थे, लाल बाल पाल वाले पार्ट में थे, और कुछ चीज़ें। उसके बाद इनको किस जेल में भेजा गया, कितने दिनों तक इनको तड़पाया गया, मतलब या तो हमें किताबों ने तो नहीं पढ़ाया एनसीईआरटी ने। ऑल दो हम किन के बारे में बात करें, बाल गंगाधर तिलक साहब के बारे में। हमारे एसएससी में तिलक जहां साहब से क्या क्या सवाल बनते हैं एसएससी में, तो मैम एक तो बनता है होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में कि बताइए होम रूल लीग मूवमेंट महाराष्ट्र में उसकी किसने, मतलब कौन इसकी एडवोकेसी कर रहा था या कौन इसको बढ़ावा दे रहे थे। तो वहाँ का जिम्मा जो था वो बाल गंगाधर तिलक साहब का था, ठीक है, और जो बंगाल का यानी कि पूरब का जो भाग था उसका जिम्मा एनी बेसेंट के पास था। गणपति बप्पा मौर्य जो आज सब आप पूजा करते हो, ये गणपति फेस्टिवल जो आपका शुरू किया गया वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, ताकि सारे लोग एक साथ जुट हों, एक साथ हों, ये था इसका मोटिव। ओके, गणेश पूजा, फादर ऑफ अनरेस्ट उनको बुलाया था, अंग्रेज़ों के द्वारा बुलाया गया है मैम, वेरी वेरी गुड मैम। मैम एक छोटी सजेशन दूँ, हाँ बेटा बताइए, मर्यादाओं में रह के सजेशन तो अच्छा ही लगता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, लोएस्ट रैंक जो मराठा इन्फेंट्री में हुआ करता था, लोएस्ट रैंक वो कौन सा था, तो मैम जो हवलदार होता था ये सबसे लोएस्ट होता था, क्या होता था, हवलदार। अच्छा तुम्हें क्या लगता है ये जो नवरत्न वाला जो सिस्टम था जो ब्रिटिशर्स के यहाँ पे, ब्रिटिशर्स कह रहे हैं मुगलों के यहाँ पे लाया गया था, तो वो मुगलों ने किससे कॉपी किया होगा, ये नवरत्न वाला जो कंसेप्ट जो अकबर लेके आया था ये किससे कॉपी किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मराठाओं को ही मुल्क का खादिम बुलाया था किसने, मुगलों ने बोला था मराठाओं को, क्या बोला था, मुल्क के खादिम बोला था, जो मुल्क के लिए पूरा अपना जीवन निछावर कर दें अपने देश के लिए। आगे देखिएगा, बाबरनामा जो लिखा गया है ये किस भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा बाबरनामा जो लिखा गया है वो बाबर के द्वारा लिखा गया है, ना कि किसी और के द्वारा लिखा गया है। चलो ये लिखा गया है आपका चतकई तुर्क में, अब समझो मेरी बातों को ध्यान से जो मैं लिख रही हूँ, बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, बाबर का बेटा कौन होगा, हुमायूं, तो हुमायूं नामा किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है, गुलबदन बेगम ये कौन थी, ये इनकी हाफ सिस्टर थी, तो अकबर के रिक्वेस्ट करने पर इन्होंने, जब तक अपने भाई के बारे में इन्होंने लिखा था, अकबर के रिक्वेस्ट करने पर, ये क्या थी, इनकी हाफ सिस्टर थी इनकी, अकबरनामा अकबरनामा किसके ने लिखा था मैम, अबू फैजल ने, अकबरनामा आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है मैम, अबू फैजल के द्वारा लिखा गया है। यहाँ तक बातें समझ में आई, जहाँ तक आपके क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ तक की बातें समझ में आई सभी को, क्लियर हुआ, कोई डाउट है तो बताया जाए। क्या खूबसूरती पाई है मैम,
चलिए हो गया सबका अगर बोलना। हाफ सिस्टर का मतलब सौतेली बहन, लीगल टर्म में उसको हाफ सिस्टर बोलते हैं, स्टेप सिस्टर नहीं बोलते, स्टेप ब्रदर नहीं बोलते, दैट्स अ रॉन्ग टर्म, इट्स हाफ सिस्टर हाफ ब्रदर, है ना। सेम माता पिता, पिता सेम हो माता अलग हो, या माता सेम हो पिता अलग हो, तो आप उसे क्या बोलते हो, आप हाफ सिस्टर। आगे बढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। विक्रमपुरा विजयपुरा इनमें से किन सेन राजाओं को दी गई थी, फटाफट तरीके से बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। बेटा अगर येलो दिख रहा है तो फिर वो आपके फ़ोन की स्क्रीन की प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंप्लीट तरीके से पूरा, क्योंकि मैं भी वाइट स्क्रीन वाइट सब, मतलब मुझे तो क्लियर तरीके से दिख रहा है यहाँ पे, आप देख लीजिए अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो। चलो भाई जवाब 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 मैम, विजय सेन विजय सेन विजय सेन, ठीक है ठीक है ठीक है, विजय सेन किसके मैम पुत्र थे, मैम हेमंत सेन के पुत्र थे, क्लियर। आगे देखो क्या कह रहा है, तमिलनाडु दिवस जो आपका मनाया जाता है, ये तमिलनाडु दिवस आपका किस दिन को मनाया जाता है, दिवस इसलिए मनाया जा रहा है, देखो भारत जो है ये हमारा एक है, हम क्या है इसके पार्ट है, मतलब भारत के ही हम पार्ट है, हम अलग नहीं हो सकते कभी भी, हमारा कोई भी राज्य हमसे अलग नहीं हो सकता, इसलिए हमने अनुच्छेद एक में हमने साफ साफ तरीके से जिक्र किया है कि हम यूनियन है, संघ है। ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा गया है अनुच्छेद एक को लेके, आर्टिकल वन को लेके, हमने इसीलिए वहाँ पे फेडरेशन शब्द नहीं रखा। हाँ जब 1956 आया तो 1956 के टाइम पे जब ये डिमांड चल रही थी किस चीज़ की, से बा भाई कि हमारी भाषा के आधार पे हमारा अलग राज्य हो, तो उसके लिए हमने कहा कि ठीक है भाषा के आधार पे हमने बाउंड्री का जो डिवीजन है वो करना हमने शुरू किया। कुछ कमेटियाँ आई हैं जिन कमेटियों के बारे में हमने आपको पहले से बता रखा था, चाहे आप बात कर लीजिए एस के धर कमेटी के बारे में, चाहे आप बात कर लीजिए जेवीपी कमेटी के बारे में। एस के धर जेवीपी कमेटी के रिकमेंडेशन ये थे कि भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारा ना किया जाए, वहीं पर जो फैजल अली आयोग आती है उसने इसके लिए मंजूरी दी थी कि भाषा के आधार पर बंटवारा हो सकता है। बात समझ में आ गई, डन। मैम बहुत फास्ट पढ़ा रही, स्लो कीजिए। ओके ठीक है मैम, ब्यूटी आपकी अपनी है या फिल्टर का कमाल है? नहीं है इसकी, मेरी अपनी है, हम इस ब्यूटी को लेके जाएंगे, ब्यूटी ब्यूटी पढ़ो आगे, ब्यूटी ब्यूटी ध्यान दो। फेमस अचेतन कुलर जो है इनका भी हाल में निधन हुआ है, ये क्या थे मैम आपके ये आर्टिस्ट, ठीक है डन। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट वन, इन विच रीजन चोला एम्पायर वॉज एक्सपेंडेड, चोला एम्पायर जो था ये किस किस एरिया में एक्सपेंड, कोरोमंडल कोस्ट, सम रीजन ऑफ डेक्कन। चोला जो थे सबसे ज़्यादा पावरफुल थे आपके समुद्र में, सबसे ज़्यादा पावरफुल थे आपके, जबकि पुर्तगाल जो थे, तुम देखो तुम कहते हो पोर्टुगीज मैम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे मैम सी में, पुर्तगाल का तो नेवल पावर में कोई मुकाबला नहीं था मैम, तो वहीं पर हम किसके बारे में कहते हैं कि चोला वंश में आइए, आइए आपको हम 9वीं शताब्दी में लेके चलते हैं, कहाँ आप 19वीं शताब्दी में जा रहे हैं, 16वीं शताब्दी में जा रहे हैं, हम आपको उससे भी पहले 9वीं शताब्दी में लेके चलेंगे, जहां पे इनसे बड़ी नेवल पावर कोई नहीं हुआ करती थी, जिन्होंने अपना साम्राज्य बिना सपोर्ट अपने दम पे कहां कहां तक बढ़ा लिया था। यस, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, डेक्कन, डन। पूरा लक्षद्वीप मालदीव्स का एरिया है ना, मालाबार पूरा का पूरा इनके पास था। आपको बताना है कि जो ग्राम सभा में जो आपकी वेतन पे लोग होते हैं उनको क्या बुलाते हैं, उनको सस्त बुलाते हैं। आगे देख लीजिएगा, खुर्रम जो कि चोला पीरियड में ना खुर्रम्स हुआ करते थे, तो खुर्रम्स क्या होते थे, जैसे सरकार, सरकार क्या था, सरकार यूज़ टू बी डिस्ट्रिक्ट, सरकार क्या हुआ करता था, सरकार आपका डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, तो खुर्रम क्या थे, अगर मैं बोलूँ जो नायडूस के जो ग्रुप थे उसको खुर्रम्स बोलते थे, किसके ग्रुप को, नायडूस के ग्रुप को आपको खुर्रम बोलते थे। तुम लोगों ने सूर्यवंशम मूवी देखी है, वो क्या कहते हैं हमारे तहसील में पानी नहीं आ रहा है, कहते ना उनके ससुर जब उनकी बीवी बहू कलेक्टर बन जाती है उनकी, तो कहते ना हमारे तहसील में पानी नहीं आ रहा है, सुना था तुम लोगों ने। हाँ तो जो ग्रुप ऑफ विलेजेस होते थे, सुनो ध्यान से, तो जो तुम लोगों ने सुना तहसील के बारे में, वो तहसील क्या था, वो था ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो ग्रुप ऑफ विलेजेस को या तो आप तहसील बुला लो, या तो आप इसे खुर्रम्स बुला लो, या खुरम्स जो भी बुला लो, ठीक है। और ये ग्रुप ऑफ खुरम्स अगर मिल जाएंगे,
अगर बहुत सारे गांव मिले तो वो खुर्रम्स हो गए, तहसील हो गया आपका, ठीक है। और अगर ग्रुप ऑफ खुर्रम्स मिल जाएंगे, या खुर्रम या खुर्रम जो भी आप बुलाना चाहें, तो क्या बन जाएगा, ये नाडू कहलाएगा। क्या बन जाएगा मैम, ये आपका नाडू कहलाएगा। डन? नहीं, और नाडू बनेगा तो कोत्यम कहलाएगा, ये भी पढ़ने जानना है। नाडू का ग्रुप बनेगा तो कोत्यम कहलाएगा, कोत्यम का ग्रुप बनेगा तो मंडलास कहलाएगा। ये बहुत डार डीप में हो गया आपका, बात समझ में आ गई। मंडलम्स मंडलम्स मंडलम्स, क्लियर। मंडलास या मंडलमस जो भी आप इसे बोलना चाहें, बात समझ में आई। दोबारा रिपीट करते हैं एक बार। ग्रुप ऑफ विलेजेस खुर्रम्स, ग्रुप ऑफ खुर्रम, बहुत सारे खुर्रम को मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा, नाडू बन जाएगा। बहुत सारे नाइडू को ग्रुप को बना लेंगे तो क्या बन जाएगा, कोत्यम बन जाएगा, कोत्यम, ठीक है। बहुत सारे कोत्यम ग्रुप को बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, मंडलमस बन जाएगा, मंडलमस या मंडलमास कुछ ऐसा बोलते थे उसको, ठीक है। डन? एक व्यक्ति एक चीज का मीनिंग पूछ रहा है, और वो मीनिंग इसलिए पूछ रहा है उसका क्योंकि वो व्यक्ति वो खुद है जिसका मीनिंग वो पूछ रहा है। मैम के साथ सरकैज़म में बिल्कुल भी मत आना, शुक्र मनाओ कि ये ऑनलाइन क्लास है। अगर ये ऑफलाइन होती बेटा तो हम खुल के तुम्हारे शब्दों का मीनिंग तुमको बता रहे होते, और ऐसा बता रहे होते कि तुम अगला दिन अपना शक्ल शीशे में देख पाने के काबिल बिल्कुल नहीं होते, और मम्मी को बोलते कि क्यों किया मम्मी मुझे पैदा ऐसी शक्ल के साथ, जहां मेरी जुबान भी गंदी शक्ल भी गंदी हो, जहां पे आप इतने गंदे गंदे कमेंट जो है वो कर सकते हैं। कम से कम एक चीज़ तो आप अच्छी रख सकते थे अपने जीवन में, एटलीस्ट अपना व्यवहार तो आप अच्छा रख सकते थे, वो भी आप नहीं कर पाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, हेरिटेज डे किसने मनाया जाता है? अब हेरिटेज दिवस है मैम तो धरोहर दिवस है। अब धरोहर में हमने कहा मॉन्यूमेंट्स, भैया मॉन्यूमेंट्स हो गए, पहाड़ियां हो गई, माउंटेन है, हिल्स है, ठीक है। इन सबको हम किस में काउंट कर रहे हैं मैम? इनको हम हेरिटेज में काउंट कर रहे हैं, राइट। 18 अप्रैल 18 अप्रैल 18 एपिक मैम, अरे जरूरी है इन लोगों को बोलना यार, इन लोगों को नहीं बोलो ना तो बस एकदम सर पे तांडव मचाते हैं ये लोग। मैम 18 अप्रैल 18 अप्रैल, ठीक है, इसको हमने क्या कहा मैम, वर्ल्ड हेरिटेज दिवस के तौर पे। तुम गलत फहमी में तुम लोग रह जाते हो ना, कुछ एक आध दो लोग जो आते हैं ना वो गलत फहमी में रह जाते हैं कि अरे जैसे हम लोग बाकी टीचर को ट्रोल कर देते हैं, दो चार बातें कह देते हैं, स्कूल में बदतमीजी कर लेते थे, ये कर लेते थे। बेटा गलत लोगों से पाला नहीं पड़ा है तुम्हारा, इसीलिए ध्यान देना। मैम आर्मी डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है कितने तारीख को? आर्मी दिवस सबको पता होगा इसके बारे में। भाई ब्रिटिशर्स से हमने वापस ली थी, ब्रिटिशर्स जो हमें छोड़ के गए और हमारी आर्मी हमारे पास आई, उस टाइम पे हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लोगों को एकजुट करना, वो भी अपने देश के लिए लड़ाई करने के लिए एकजुट करना, कि तुम अपने देश के लिए लड़ रहे हो, अपने लिए लड़ रहे हो। पहले लोग क्या तनख्वाह के लिए लड़ रहे थे क्योंकि ब्रिटिश की आर्मी में थे और तनख्वाह के लिए लड़ रहे थे। अब इनको एम करियप्पा साहब जो कि आपके फर्स्ट रहे थे मैम, इन्होंने क्या किया, इनको एक किया। बताओ किस तारीख को मैम? 15 जनवरी 1949 15 जनवरी। एक व्यक्ति ने बस गलत जवाब दिया कमेंट बॉक्स में, बाकी सबका जवाब जो है वो सही है, ठीक है। क्या कहा मैम? 15 जनवरी। डैश इज पॉपुलरली नोन एज अ पंजाब केसरी। इन्होंने लास्ट ब्रीद अपने आखिरी सांस इन्होंने ली थी 1928 में। क्या हुआ था 1928 में? आपको याद होगा कि 1928 में आई थी भारत में क्या, साइमन कमीशन आई थी भारत में। क्या आई थी भारत में? साइमन कमीशन, जिसका विरोध हो रहा था कि अगर आप भारत के संविधान के लिए आप आए हैं, आप उसकी बनाने की कावियादाएँ आप शुरू करने वाले हैं, तो आपकी कमिटी में कोई भी भारतीय मेंबर क्यों नहीं है? आपकी कमिटी में जो 7 मेंबर थे वो 7 के 7 वाइट मेंबर ही क्यों थे भाई? अब ये फ्रीडम की मांग थी, स्पीच की मांग थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी हमारे प्रयास नहीं था उस वक्त पे, कि हम बोलने का अधिकार भी नहीं रखते थे। बोलने का अधिकार ना रखने पे ही तो कितने लोगों को जेल भेजा गया, कितने लोगों को जान से मार दिया गया, कितने लोगों को बम से उड़ा दिया, कितने लोगों को तोप के सामने बांध के उड़ा दिया गया, कितनों की लाशों को गंगा नदी के किनारे पेड़ों पर लटका दिया गया ताकि आने जाने वाले सभी यात्री जो हैं उसको देख के सीख लेते रहें। खैर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? लाला लाजपत राय के बारे में, जिन्हें आप पंजाब केसरी के नाम से जानते हो, जिन्हें शहादत प्राप्त हुई थी, ने लाठियों से मारा गया था वही साइमन कमीशन के विरोध के बाद वक्त पर।
साइमन कमीशन जो भारत में आई थी 1919 के एक्ट को रिव्यू करने के लिए आई थी वो साइमन कमीशन। हम उसी साइमन कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, साइमन कमीशन 1928 में अराइव करती है टू रिव्यू कि 1919 का एक्ट भारत में कैसा काम कर रहा है। ये अपनी रिपोर्ट को जमा करेगी, रिपोर्ट सबमिट करेगी 1930 में, ठीक है। इसके बाद आपके कॉन्फ्रेंसेस जो हैं ये हेल्ड होना शुरू होंगे। डन। कोई डाउट? क्लियर। चलिए ठीक है, बाल गंगाधर तिलक साहब के बारे में जस्ट हमने पढ़ा है। दादा भाई नौरोजी जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये पहले व्यक्ति रहे थे, ये याद रखिएगा, ये पहले व्यक्ति रहे थे जो ब्रिटिश की संसद में पहले भारतीय सदस्य, फर्स्ट इंडियन टू बी मेंबर इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। किस पार्टी से ये टिकट पे लड़े थे मैम, किस पार्टी से सांसद बने थे, याद रखिएगा लिबरल पार्टी से ये आपके वहाँ पे सांसद बने थे। इनके जीवन में आपके एसएससी में सीएचएसएल में और क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो पूछे गए हैं कि दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन की शुरुआत कहाँ से करी थी। तो इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी थी बड़ौदा के राज्य में दीवान के रूप में। किसके रूप में? बड़ौदा के दीवान के रूप में इन्होंने अपनी शुरुआती, इन्होंने अपना करियर जो है प्रोफेशनली वहाँ से अपना इन्होंने शुरू किया था दादा भाई नौरोजी ने। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इन्हें आप क्या कहते हैं, इन्हें आप कहते हैं हिंदुओं का पूर्ण जागरण किसने किया था, मॉडर्न इंडिया में हिंदुओं को दोबारा से जगाने वाला कौन थे, तो वो आपके विवेकानंद। इसके साथ ही अगर आप ध्यान दीजिएगा तो रामकृष्ण मिशन जो आप देख रहे हो, रामकृष्ण मिशन जो आप देखते हो, वो रामकृष्ण मिशन किसने बनवाया है? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, अपने गुरु की याद में, ठीक है। इसीलिए आप देखते हो रामकृष्ण मिशन में आपको विवेकानंद जी की तस्वीरें और उसकी लाइब्रेरी में आपको इनकी किताबें ज़रूर मिलती हैं। हिंदू नेपोलियन बोला जाता है इनको, ठीक है। डन। क्लियर बेटा, वेदों की तरफ लौट चलो, दयानंद सरस्वती ने बोला था, याद रखिएगा। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में, तो वेदों की तरफ लौट चलो यानी बैक टू वेदास का जो नारा दिया था वो आर्य समाज वाले ने दिया था, दयानंद सरस्वती। आगे देख लेते हैं, टोटल किस प्रकार के आपके पास रॉक्स होते हैं? मैम आप ऐसे पढ़ाते हो, कोई डाउट ही नहीं रहता है। थैंक यू नितेश। डन। क्लियर। चलो मैम, दो प्रकार की होती हैं, बताओ भाई इग्नियस रॉक कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती हैं। आगे देख लीजिएगा, गुलबर्ग जो आपका एक किला है ये कहाँ पे स्थित है? जवाब देने की कोशिश करो। कर्नाटका के उत्तर में है, कालबर्गी जिला है। मतलब हमारा प्रोनंसिएशन उच्चारण अलग हो सकता है क्योंकि हम लोग उत्तर भारत के रहने वाले हैं और जो साउथ इंडियन दक्षिण भारत के उनका प्रोनंसिएशन अलग रहता है। जैसे आप पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ का उच्चारण अलग होता है, वहाँ दिव्या दिया बन जाती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो गुलबर्ग कहाँ पे है आपकी? कर्नाटका में है, कर्नाटका के उत्तर भाग में है आपका। कहाँ पे? कर्नाटका के उत्तर भाग में। ये वही कर्नाटका है जिसको हमने इतिहास में विजयनगर एम्पायर पढ़ा है, जिसको हमने मॉडर्न हिस्ट्री में और उससे पहले भी हमने देखा है कि विजयनगर एम्पायर में। यार ये बाहर में कुत्तू, मतलब इतनी लड़ाई क्यों लड़ते हैं यार ये लोग, रात वात में पूरी रात भौं 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 करते रहते हैं। चलो भाई सुनो मेरी बातों को ध्यान से। तो ये वही विजयनगर एम्पायर है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे चार वंश थे। संगम वंश जो आप देखते हो ना, संगम, तालुवा, सालुवा और लास्ट में 1565 में आपका अरविंदो वंश जो आपका आया था, तख्ता पलट हुआ। ये वही विजयनगर एम्पायर है, देवराय, जो कृष्ण देवराय जो आपने पढ़ा वो सब यही, जहाँ तुंगभद्रा नदी जो है इनके ऊपर ज़्यादा बांध बनाए गए थे। जब विजयनगर साम्राज्य था तो सबसे ज़्यादा जो कार्य हुए थे आपके वो तुंगभद्रा नदी के ऊपर आपके कार्य किए गए थे। अगला, जैसे ही, ये तो आपकी हो गई एंशंट हिस्ट्री की बातें, आप जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री में जाते हो तो यही जगह का नाम आपको मैसूर मिलता है, टीपू सुल्तान हैदर अली वाली जगह। कौन सी?
टीपू सुल्तान और हैदर अली वाली जगह। आज यही जगह है जहां आपका बेंगलुरु कहां है, इधर ही है। बेंगलुरु आपका फिलहाल चर्चे में बना हुआ है हेली टैक्सी की वजह से। बेंगलुरु चर्चे में क्यों है? हेली टैक्सी की वजह से आपका ये चर्चे में बना हुआ है। डन, बेंगलुरु एयरपोर्ट। कोई डाउट, कोई दिक्कत? नाम चेंज हो गया है इसका। आगे बढ़ूं मैं? आगे देख लीजिएगा। डैश इज अ ब्रॉडली डिवाइडेड टू वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तुमने किस जगह को बोला है कि भैया ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है? किसको बोला है? डेक्कन प्लेटू को बोला है। किसको बोला है तुमने? किन पठारों को कहा है? डेक्कन प्लेटू को बोला है। ये वही डेक्कन वाला। अच्छा बताओ, मराठा जो गुरिला वॉरफेयर में एक्सपर्ट थे, उनका एक्सपर्ट एरिया कौन सा था? डेक्कन प्लेटू था या प्लेन्स एरिया था उनका? बताओ कमेंट बॉक्स में। दूसरी चीज क्या बोलने वाली? दूसरी चीज दिमाग से ध्यान दो। स्वराज पार्टी जो है, ये आउटकम है किस इंसिडेंट का? मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कुछ बुरा होगा नहीं तो कोई तुम्हारा सहारा बन के आएगा नहीं लाइफ में। तो बात क्लियर है, जो तुम्हारे आते हैं बाबू सोना टोना मुना जादू टोना करने के लिए, वो तुम्हारी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो वो लोग आते हैं, फिर तुम्हें लोगों पर यकीन होने लगता है और फिर वो लोग जो है तुम्हारा बना के तुम्हारी ज़िंदगी बेवकूफ़ बनाते हैं बेसिकली। तो कहने का मतलब ये है कि ना चीज़ों में फंसना है, अगर बुरा हो भी रहा है तो उसको अपने तक रखना है और रख के अपने को संभाल लेना है। इस स्टोरी का जो सारांश था वो क्यों हुआ और क्या कहता है कि पहले के टाइम पे जब कुछ इंसिडेंट होते थे तभी कोई नेता निकलता था, कोई पार्टी निकलती थी। एमरजेंसी आई तो एमरजेंसी के बाद नई नई पार्टियाँ बनी, पार्टियाँ निकली। बिहार में बहुत सारी पार्टी आ चुकी थी। क्यों आई थी? जब प्रॉब्लम चल रहे थे जेडीयू आरजेडी बीजेपी, है ना, इतनी बार गठबंधन तोड़ा है कि कहने का नहीं है। तो यहाँ पे एक पार्टी जो आपकी निकलती है वो थी स्वराज पार्टी, जो कि चौरी चौरा इंसिडेंट के वक्त पे हुआ था। मुझे बताओ कि इस टाइम पे कौन सा मूवमेंट चल रहा था जो गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से वापस ले लिया था? चलो आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं यहाँ पे नहीं लिखती हूँ, मैं वापस बता रही हूँ, क्योंकि मैं जितनी भी बातें आपको लिखती हूँ वो आपको ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाती है, है ना, बिल्कुल ही रिटन तरीके से। बात समझ में आ गई? डन, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। किस साल में जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वॉज रिप्लेस बाई अ काउंसिल ऑफ एजुकेशन? ये क्या कह रहे हैं मैम? नीतू मैम कह रही थी कि आप मेकअप करके पढ़ाती हैं, सही तो कह रही थी, क्या गलत है उसमें? हाँ पढ़ाते हैं मेकअप करके, अब ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस ऐसे ही निकल जाएंगे। तो एक बात बताओ, तुम जैसी फ़ोटो खिंचवाने आते हो तो तुम फ़ोटो खिंचवाने ऐसे बिखरे वालों में आ जाते हो कि फ़ोटो खिंचवाने आ गए? तुम कोर्ट जाते हो ऐसे ही चले जाते हो? और मैं मैम की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैम जो भी कह रही बिल्कुल सही कह रही, क्या गलत है? मैं उसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट ले रही थी, मैं तो उसको देख के हंस रही थी, ठीक है, क्या दिक्कत है? आई रियली रियली एडमायर हर। मतलब एक इकलौती औरत जो अपने बलबूते पे खड़ी होके दिल्ली में पूरा मार्केट जिसने बनाया हो, एक टाइम पे पूरे एसएससी का मार्केट बनाया हो और इकलौती एक फीमेल बनाए, वो बहुत बड़ी बात है। आई रियली एडमायर हर अनटिल टुडे, आज भी मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ। ठीक है, चलो, तो अगर बड़े कुछ बोलते हैं तो उसमें कोई बात नहीं है, उसको अच्छे तरीके से आप ले सकते हो। आगे देखो, क्या कहा मैं आपसे? तो रिप्लेस किया गया काउंसिल ऑफ एजुकेशन से। तुम्हें लग रहा है कर्जन के टाइम पीरियड पर हुआ था? मैं आप भी उनसे पढ़ाई किए हैं क्या? नहीं बेटा, मैंने कभी उनसे पढ़ाई नहीं करी है, मेरा लॉ बैकग्राउंड था बच्चा। 1841, वेरी वेरी गुड। लैक, इसमें आपको याद होगा कि 10 सदस्य रखे गए थे, 10 मेंबर में से मैक्यूले जो था वो भी इसमें से एक था। क्या कहा मैम मैंने? मैक्यूले भी जो था वो इसमें से एक था। डन, आगे देखो मैम। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट? अच्छा देखो, लोगों का ना काम होता है बोलना, अब तुम बोलोगे मैम कैसे?
सबने कहा कि मैम जो है दिव्या मैम ना कमेंट्स पढ़ लेती हैं। एक तो मेरी आदत है कि मैं इंगेजिंग बहुत ज़्यादा रहती हूँ, है ना, तो अगर कोई चीज़ आता है तो मैं उसको पहले ना स्क्रीन पर दिखाई देता था मुझे, बहुत सारे 3-4 स्क्रीन पर, तो लगातार लगातार पढ़ाते पढ़ाते 2000-3000 बच्चे और लगातार जोर शोर से कमेंट्स चल रहे हैं, तो ऑनलाइन ना समझ नहीं आता कि आप कौन सा कमेंट पिक कर रहे हो कौन सा नहीं कर रहे हो, आप बस पढ़ रहे हो, आपने देखा आपने कमेंट उठा लिया, आपने पढ़ा अच्छा ये क्या कह रहा है समझ नहीं आया और फ्लो फ्लो में आपने बोल दिया। चलो वो तो मैम ने अनइंटेंशनली किया, आजकल लोग क्या करने लगे हैं, लोग कमेंट लिखवाते हैं ऑफलाइन क्लास में कि चिट पे लिखो फिर हमें डालो फिर हम उसको पढ़ेंगे और फिर तुमको हम बताएंगे। अब बताओ फिर लोग अपना फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन उठा के फ़ोन लगाते हैं, हेलो उर्वशी रावतीला तो हम करें तो कुछ तुम करो तो सब सही, वो सलमान खान का गाना था ना। ओके तो मैम ये देने का काम किसका है, UNFPA का। किसका काम था मैम, पॉपुलेशन रिपोर्ट UNFPA। डन क्लियर। हम लड़ाई करवाएंगे काय की लड़ाई, नहीं इट्स अ नॉर्मल थिंग यार। देखो होता क्या रहा कि वो क्यों नहीं कहते कि सामने वाला कर रहा हो तो बहुत गलत है, फिर हम उसको कॉपी कर ले, भले वो व्यक्ति अनइंटेंशनली हो रहा था उस व्यक्ति से लेकिन हम उसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके फिर हम आगे करेंगे। खैर ध्यान दीजिएगा, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में अगर मैं बात करती हूँ 2022, तो ये जो आपका मेज़बानी करने वाला जो शहर था वो किसने किया था, किसका मैसेज आ गए हो, अच्छा आप लोग के लिए शॉर्ट्स आ गए हैं अभी, जस्ट शॉर्ट्स जो है आपका डरा है और वो शॉर्ट है आपका SSC CGL में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है आपका आर्टिकल से डांस से, तो उसकी मैंने आपकी सीरीज़ अभी स्टार्ट कर दी है, सारे लोग उसको देख के ज़रूर जाइएगा। जेनेवा 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 किसके बारे में कहा, मैक्सिम हेडक्वार्टर आपके कहाँ मिलते हैं मैम, जेनेवा में ही आपको मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है भाई कि इंटरनेशनल डे फॉर माइंड अवेयरनेस जो है ये कब आपका जागरूक किया गया था, एक छोटा सा गलत कदम अगर आपने वहाँ पे ले लिया, क्या बोला मैंने, एक छोटा सा अगर आपने गलत कदम वहाँ पे ले लिया तो भैया जान माल घर बार अपनी सुरक्षा ताक पर। तो ये 4 अप्रैल को मनाया जाता था ताकि आप माइंस में जो आप काम कर रहे हो खदानों में तो वहाँ के माइन एक्शन कम्युनिटी। आगे देखिएगा, UN ह्यूमन राइट काउंसिल का जो है मैम इसका मुख्यालय कहाँ पर है। देखो बेटा ये सब क्वेश्चन कुछ बोरिंग लगेंगे लेकिन तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, ये हेडक्वार्टर वाला डेट्स वाला, अगेन जेनेवा, अगेन वेयर जेनेवा। किस कंट्री ने अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया था, Gaia 3, ये वही कंट्री है जो पता नहीं कुछ भी खाता रहता है, आर्टिफिशियल सन भी बना दिया था, खाने को पता नहीं सच में यार कुछ भी खाता रहता है यार, कॉकरोच फ्राई करके खा जाए, कभी कुछ फ्राई करके खा जाए। ठीक है ठीक है बेटा, खुश रहने को अहंकार नहीं, खुश रहने को खुश रहना बोलते हैं। दुनिया अजीब है ना, अगर कोई सुसाइड करता है तो लोग उसे चार बोलते हैं कि अरे सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन में था, उसे हमें बात करनी चाहिए थी, और जब कोई खुश रहता है तो हम उसे ट्रोल करने चले जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, कैसा रील बना रहा है क्या कर रहा है, 4 बातें सुना देते हैं। तो इसीलिए दुनिया के बहकावे में मत आ। क्या कहा मैम इसने, चाइना, अगेन टॉकिंग अबाउट चाइना, इसने ही आपका ये अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए सैटेलाइट को ये लेके आया है। आजकल काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही है चाइना USA में, वो उसका UFO नष्ट कर देता है, वो उसका नष्ट कर दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय वायु मार्ग की स्थापना जो थी मैम ये कब करी गई थी, तो अगर आप नोटिस करेंगे 1933 में गोवन ब्रदर्स के द्वारा, गोवंस गोयल्स ने मत कर देना, गोयल मैं बोलती हूँ कई बार तुम लोगों को मजाक मजाक में, ये क्या थे, गोवन ब्रदर्स थे और उस टाइम पे 3 मिलियन पूंजी के साथ इन्होंने आपका ये एयरवेज की शुरुआत करी थी, ढाका टू रंगून, कलकत्ता से लेके ढाका, कल ढाका कहाँ पर है, बांग्लादेश में है आज के टाइम पे, बांग्लादेश जो कि भारत के बंगाल का पूर्व भाग था, तो पूर्व भाग कहाँ चला गया, पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश, और जो उस बंगाल का जो पश्चिम भाग था वो हमारे पास रहा। बात समझ में आई, अब कितना स्लो बोले SKL, क्या नाम है इस लड़की का, मैम स्लो बोलिए ना, बहुत फास्ट बोल रही हैं, दिमाग खराब।
स्लो, दो क्वेश्चन होगा, स्लो करते, हाँ बताओ इसका जवाब क्या होगा, इज ओके, हु, क्या तरीका है यार ये। आगे देखो ना, आपको बताना है कि पहली ऑस्कर पुरस्कार विजेता भारतीय फिल्म कौन सी थी। गांधी, 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 गांधी। कई बार आप लोगों से नाम पूछता है भानु आथिया को, भानु आथिया किस चीज के लिए, गांधी को इसके कॉस्ट्यूम के लिए पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए मैम, गांधी को आपकी कॉस्ट्यूम के लिए आपका पुरस्कार जो था ये दिया गया था। आगे देख लेते हैं यार, सबसे रिचेस्ट सिटी जो है वो कौन सी है। सिर्फ रिचेस्ट सिटी, हम इसे भारत का फाइनेंशियल कैपिटल भी बुलाते हैं, तो आपको, मुझे लगता है कि आप लोग को हिंट देने की ज़रूरत है नहीं, इतना काफ़ी है, इट्स मुंबई। इवन रहना सबसे ज़्यादा, जो रहना महंगा है वो कहाँ पर है आपकी, मुंबई। अच्छा एक बात बताओ, गिव मी अ सेकंड, रिचेस्ट सिटी आप कैसे डिक्लेयर करते हो, पर कैपिटा इनकम से डिक्लेयर करते हो कि भैया कौन सा शहर सबसे अमीर है, फिर वहाँ का रहना जो होता है ये तरह तरीके से अलग अलग लोग जो हैं वो सर्वे निकालते रहते हैं। बात समझ में आ गई, अब समझो मेरी बातों को। सबसे बड़ी बिल्डिंग भी कहाँ पे है इंडिया में, जितनी भी सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स है ना बड़ी बड़ी, मैक्सिमम मुंबई में है आपकी, पलासी रॉयल। ऑल्दो ये पलासी रॉयल जो है ये सबसे बदनसीब बिल्डिंग है, है तो सबसे बड़ी बिल्डिंग पलासी रॉयल, लेकिन बहुत ही बदनसीब बिल्डिंग है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था आज। सबसे बड़ा किले का नाम बताइए, वो कौन सा किला है, वो है चित्तौड़गढ़ का किला है। कौन सा किला है मैम, चित्तौड़गढ़ का किला, यस 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 यस। यहाँ तक बात समझ में आई, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। आगे देखो भाई, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, याद रखिएगा राज्यसभा के अध्यक्ष आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं और ये आपके मेंबर नहीं होते हैं। क्या ये मेंबर होते हैं, नहीं होते हैं, जबकि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा के स्पीकर मैम ये आपके मेंबर होते हैं, ये आपके सदन के मेंबर होते हैं। आपको पता है ना, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो सदनों के मेंबरों के बीच में से चूज किया जाता था, सदस्यों के बीच में से ही चूज किया जाता है। दूसरी चीज़, इसीलिए जब भी कोई जॉइंट सिटिंग होगी, जब भी कोई जॉइंट सिटिंग होगी, जिस जॉइंट सिटिंग में राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही होगी, उस टाइम पीरियड पर जो इसकी अध्यक्षता करेंगे वो अध्यक्षता करने वाले होंगे स्पीकर। क्यों, क्योंकि स्पीकर हैं मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। बात समझ में आ गई, हमने इनको क्यों नहीं बनाया मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, क्यों नहीं बनाया, देखो राज्यसभा में जो आपका प्रेजेंटेशन है वो किस आधार पे है, आपका प्रेजेंटेशन राज्यों के आधार पे है। अब सिक्किम जैसा छोटा राज्य भी है जहाँ एक सीट है, उत्तर प्रदेश जैसा 80 सीट के साथ भी राज्य है, अलग अलग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये ऐसी जगह हैं जो अपने आप में एक देश बना दें, इतना बड़ा राज्य है। तो इनके साथ किसी, अगर मान लो हमने वीपी को किसी का एक मेंबर बना दिया, तो किसी को भी ये फीलिंग ना आए कि यार पार्शियलिटी हो सकती है, यहाँ के मेंबर हैं तो यहाँ वाले राज्यों को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो देखो कितना बढ़िया कंसेप्ट हमने रखा, हमने इनको मेंबर ही नहीं बनाया सभा का। बात समझ में आई, यस 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 यस, डन। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को, किसने कहा साउंड नहीं आ रही है यार। कुछ लोग पता है अटेंशन सीकर हैं, अटेंशन पाने के लिए बहुत अजीब अजीब बात लिखेंगे, बस अटेंशन पाने के लिए। क्यों अपनी इज्जत इतनी ताक पे रखते हो अटेंशन के लिए, घर में मम्मी पापा नहीं देते हैं अटेंशन, मार के रखते हैं, निगलेक्ट करके रखते हैं क्या, कि पता ही नहीं कि मेरा बेटा बेटी का नाम क्या है, कि क्लास में आके सब करना पड़ता है तुम लोगों को। बहुत प्यारी आवाज़ आपकी आ रही है ना, आवाज़ ठीक है, क्लियर है। अगर किसी व्यक्ति को गोली लग जाए, है ना, तो
तो गोली लगने के बाद जो उसकी मौत होती है, मैंने बोला वो किसके पॉइजनिंग से, ऐसे तो मैं गोली लगा लगा, लेकिन किसके पॉइजनिंग से इसकी मौत होती है, तो वो लेड की वजह से। अगर गोली नहीं निकाली जाएगी तो पॉइजन, क्या बोलते हैं कि पॉइजन फैल जाएगा, जैसे हम मूवीज में दिखाते हैं कि गोली लग गई और आदमी मर गया, ऐसा नहीं होता है। गोली लगने के बाद आदमी देर तक जिंदा रहता है। ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेट जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे यानी कि भाषाई आधार पे आपका क्रिएट किया गया था, ये जो पूरा मुद्दा उठा था ना स्टेट रिओर्गनाइजेशन का, ये जो पूरा मुद्दा उठा था ना पूर्ण गठन करने का, राज्य को पूर्ण गठित करने का, ये जो कंप्लीट जो आपका जो मुद्दा उठा था वो इसी की वजह से। एक्चुअली डिमांड बहुत सारे हो रहे थे उस टाइम पे, लेकिन अलग भाषा के लिए बहुत सारे लोग बैठे थे धरने के ऊपर, जिसमें रामलू पोटी साहब भी थे, श्रीरामलू साहब, जिनकी अनशन के बाद मृत्यु हो गई थी। तो सरकार ने आनन फानन में क्या किया, बंटवारा किया। 1953 में इसको क्रिएट किया गया, 56 में इसको आंध्र प्रदेश को एक प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन मिली। ठीक है, अब सुनो मेरी बातों को। कमिटियाँ आपसे पूछेगा, मैं लिख दे रही हूँ, एस के धर कमिटी लाई गई थी। पूछा गया कि देखिए एक बार चेक कीजिए कि क्या सच में लोग चाहते हैं भाषा या आधार पे बंटवारा करना। अब एक को देख के तो सब चिल्लाएंगे कि उसको मिल गया तो हमें भी मिलना चाहिए वाला हरकत। तो ये तीन कमिटियों का आप नाम याद रखिएगा, एस के धर, जेवीपी, फैजल अली। एस के धर ने कहा कि आप प्रशासनिक आधार पर बंटवारा कीजिए, भाषाई आधार पर बंटवारा करना पॉसिबल नहीं है। जीवीपी जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पत्ता भाई सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पत्ता भाई सीतारामैया थे, इन्होंने कहा कि भाषा या धर्म पे बंटवारा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यस, हम कर सकते हैं, अगेन प्रशासनिक आधार पे। फैजल अली कमीशन जो है इसने मंजूरी दी थी कि हाँ हम भाषा के आधार पे बंटवारा कर सकते हैं, जिसके बाद ही आपका स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट 1956 आपके समक्ष आया और विभिन्न राज्य जो हैं ये आपके बनते गए। आवाज तो कुछ बोरिंग लगेगा, लेकिन तुम्हारे एग्जाम के राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही आधार पे बंटवारा करना, अब एक को देख के तो सब चिल्लाएंगे क्यों, तो मतलब किसको आवाज कम आ रही थी, जल्दी से जाओ और डॉक्टर को इलाज करवा लो इससे पहले कि मेडिकल में तुमको अनफिट जारी कर दिया जाए, और नहीं तो तुम्हारा नाम हम ही नोट करके रखेंगे। आप फिर बाद में ट्विटर पे कंपेन छेड़ेंगे कि ये अनफिट था, ये आदमी नालायक कहीं का, इतने क्लास के बावजूद भी इसको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। टेक्स्ट बुक पास में बेटा डिस्काउंट मिलता है, आपको कूपन कोड यूज़ करना होता है दिव्या पास, ये कूपन कोड लगाते ही आपको टेक्स्ट बुक के पास में डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, ये पास में कोर्स ले रहे हो तो दिव्या, यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन है जो सबको ही ब्लड डोनेट कर सकता है, ओ ब्लड ग्रुप, कौन है वो मैम, ओ ब्लड ग्रुप, यस 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 यस, ओ ब्लड ग्रुप सबको ही डोनेट कर सकता है। सबसे ज़्यादा जो सेल्फिश ब्लड ग्रुप मुझे लगता है वो है ए बी ब्लड ग्रुप, ये सिर्फ ए बी को ही दान दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता है, लेकिन ले सबसे सकता है ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट वन, दक्षिण गाम सेंचुरी जो है इसमें किसके लिए प्रसिद्ध है, पहले समझो दक्षिण गाम कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, कहाँ पर है मैम, जम्मू कश्मीर मर आपका ये है। अब मुझे बताओ कि दक्षिण गाम जो है ये किसके लिए, हाग्योल के लिए ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। दक्षिण गांव मैंने आपको कैसे याद करा था, 10 गांव होंगे, जिन 10 गांव को हटा के ये दक्षिण गांव जो है आपका ये बनाया गया होगा। ठीक है, गुड। एन अपर्टस यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, मान लो जलमर्ग जो वस्तुएं हैं उनका पता लगाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, आप सोनार या सोनर जो भी आप बोलिए, मैं सोनार वो मेरे को ध्यान आ गया, आमा सोनार बांगला माफिक ध्यान दीजिएगा, तो सोनर जो है
इसके उपयोग जो है वो किया जाता है वस्तुओं का पता लगाने के लिए। कौन सी कंट्री है जिसके पास लॉन्गेस्ट ओवरलैंड टर्नल है? आराम से जवाब दीजिए। नहीं, दे डू हैव सम मेट्रो वाला सुरंग भी है इनके पास। स्विट्ज़रलैंड का बड़ा ही फेमस है ये टॉय ट्रेन, यहाँ का बड़ा ही फेमस है। वैसे मूवीज़ ने बहुत हाइप बना के रखा था हनीमून स्विट्ज़रलैंड, ये वो। हमारे इंडिया में बहुत सारी जगहें हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे हाईएस्ट राज्यसभा में सबसे ज़्यादा संख्या में जो सीट है वो किसके पास है? तो मैंने पहले बताया था एक क्वेश्चन में आप लोगों को, जब मैं सिक्किम का जिक्र कर रही थी, जब मैं राज्यसभा पढ़ा रही थी आपको, जब मैंने आपको प्रेसिडेंट के बारे में जब आपको पढ़ा रही थी कि प्रेसिडेंट जो होते हैं मेंबर क्यों नहीं होते हैं, उसी दौरान पे मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा सीट किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास है, है ना। और पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे कम कौन सा है? सिक्किम है आपका सबसे कम, तो सीट कम होगी ना उसकी। जनसंख्या ही आधार पे करोगे ना भाई आप, डिलिमिटेशन ऑफ जो सीट्स होता है वो जनसंख्या आधार पे होता है। अब चूंकि जनसंख्या का जिक्र आया है तो ये भी देख लेते हैं कि मैम जनसंख्या का सबसे पहले अकाउंट किसने किया था? मायो ने किया था। लेकिन ऑफिशियल तरीके से 10 वर्षीय जनसंख्या किसने किया था? मैम रिबन ने किया था। इस तरीके से आपको याद रखना है, क्लियर? वेरी वेरी गुड। ह्यूमन बोन जो है ये क्या कंटेन नहीं करता? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हर बार तुम लोगों ने गलत किया है, बताओ भाई। तो तुम्हें सांस लेनी पड़ती है ना ग्रहण करने के लिए। कार्बन, ऑक्सीजन। अरे यार, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं थी, लेकिन इसमें ऑक्सीजन था। चलो हटाओ उसको, स्किप करो एक दो। ऑप्शन ए बी सी बोथ करके एक ऑप्शन होना चाहिए था। गेटवे ऑफ इंडिया जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनवाया गया था? उस टाइम पे जो वॉइस रॉय थे, है ना, गवर्नर थे, इन लोगों के वेलकम के लिए गेटवे ऑफ इंडिया आपका बनाया गया था, जो कि कहाँ पे मैम? मुंबई में आपका बनाया गया। आज अब जाइएगा ताज होटल के ठीक सामने आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो वॉइस रॉय और जो आपके नए गवर्नर थे उनके वेलकम करने के लिए इसको बनाया गया था। यस यस यस। कौन सा एलिमेंट जो है मेंडल पीरियोडिक टेबल में एल्युमिनियम अकॉर्डिंग रिप्लेस किया गया है? गैलियम और गैरिनियम, बताओ। गैलियम और गैरिनियम 1871 की बात है, क्या बोला हमने? गैलियम। किस गवर्नर ने मद्रास प्रेसिडेंसी में ट्रीटी किया था टीपू सुल्तान के साथ, ट्रीटी ऑफ मैंगलुरु? अब देखो दिक्कत क्या था, टीपू सुल्तान मद्रास प्रेसिडेंसी यानी मैम आपका मैसूर वाला एरिया। यार आज भी ये पैलेस कितना खूबसूरत लगता है, उस टाइम पे सोचो क्या भौकाल होता होगा। ये ब्रिटिशर्स के साथ राजी नहीं थे सब्सिडरी अलायंस में जाने के लिए। सब्सिडरी अलायंस जो कि वेल्सले के द्वारा भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था और जो कि कॉपी किया गया था, फ्रेंच से कॉपी किया गया था, ये इनका अपना आइडिया नहीं था। तो जब इनसे बातचीत ये कर रहे थे कि आप हमें सब्सिडी अलायंस में आ जाइए, सब्सिडी अलायंस में क्या होता था कि आप एक तरीके से बिल्कुल ही शक्ति विहीन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सेना की जगह पे ये अपनी सेना को इंडल्ज कर देंगे, अपनी सेना को ये आपकी डाल देंगे। ये बात समझ में आई यहाँ तक? तो अब इनका ये कंडीशन जो था ये था, जिसके लिए मान नहीं रहे थे और फ्रेंच वालों से फिर ये मदद ले रहे थे, फ्रेंच की आर्मी से, जिससे ब्रिटिशर्स को और डर बैठा हुआ था। हार नहीं मानी, कई बार तो इनके दोनों बेटे तक को रख लिया अपने पास, कई बार इनसे 3 करोड़ रुपए की वॉर इंडेमिनिटी भी लगाई थी इनके ऊपर, है ना, कि हम आए हैं आपको परेशान करने के लिए और आप ही हमको भुगताना दीजिएगा, क्योंकि हम आए हैं आपको परेशान करने के लिए। और उस टाइम पे ये जो ट्रीटी हुई थी, उस टाइम पे मार्कटने थी आपका, मार्कटने या मार्कटने जो भी आप इसे बुलाना चाहें, एक अच्छा सा नाम देखे। आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, शुक्रिया।
यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आपका युद्ध में जिसने रॉकेट का इस्तेमाल किया था, ऑल दो वो रॉकेट क्या हुआ था, बैकफायर कर गया था, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान के ही आर्मी के ज़्यादातर लोग मारे गए थे, कितना यूज़ नहीं करने आया, तो इसलिए रॉकेट का विचार त्याग देना पड़ा। जैकोबिन क्लब, वो ट्री बनाना फ्रेंच वालों के लिए, सब टीपू सुल्तान ने किया था। ध्यान दीजिएगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो इसकी शुरुआत करने वाला था रिपन, है ना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या हुआ? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटीज आ गई ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। और सबसे पहली बार मैम इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया? मद्रास। कहाँ पे किया मैम? मद्रास। डन बालको। एक एनिमस हैकिंग ग्रुप ने है जिसने क्लेम किया रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक ऑन द वेबसाइट ऑफ विच गवर्नमेंट। अभी यूक्रेन और रशिया का जो आप मामला देख रहे थे, तो उसके बाद यूक्रेन ने कहा कि उन्होंने रशिया गवर्नमेंट के ऊपर क्या किया मैम? अटैक किया। युद्ध में आप चली जाइए, युद्ध खत्म हो जाएगा। हाँ बेटा, इतना रिस्क कौन लेगा बेटा, युद्ध में चली जाए, खत्म हो जाए, वहीं पर खुद ही निपट लिए तब। ध्यान दो, अब कई लोग कि सबको पता चल ही गया होगा, अब तक तो इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहा था कि यूक्रेन और रशिया में आखिर प्रॉब्लम क्या चल रही थी, ये नाटो वाली प्रॉब्लम जो थी ये क्या थी, जिसका अब्बा जान जो है वो कौन? यूएसए बना हुआ था। ये वही रशिया है जो कभी यूएसएसआर हुआ करती थी और रशिया उसका छोटा सा पार्ट हुआ करता था, और इसको कोल्ड वॉर के ज़रिए क्या किया गया था? तोड़ा गया था इसको कोल्ड वॉर के ज़रिए, है ना, अलग अलग 15 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया गया और इकलौता बच गया फिर आपका रशिया। यूक्रेन भी पहले रशिया का हिस्सा था और ये शामिल होने जा रहा था नाटो में, यानी अमेरिका की छत्र छाया में, जिसके लिए पूरा का पूरा बवाल जो था ये आपका हुआ था। ठीक है, आगे देखो, शोभुमर्णी जयंती स्कॉलरशिप जो है ये दिया गया है किस स्कूल के बच्चों को दिया गया है? मुझे लगता है कि नाम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, स्वर्ण जयंती, ये बांग्लादेश में आपका दिया गया है। कहाँ पे मैम? मैम बांग्लादेश, 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 यस यस यस। आपको पता है कि भारत जो है वो बांग्लादेश की आज से नहीं, बहुत वक्त से मदद करता आया है, और सिर्फ बांग्लादेश ही क्यों, हमारे जितने भी लोगों ने हमसे मदद मांगी है, चाहे वो पड़ोसी देश हो चाहे वो कोई भी हो, हमने सब की ही हमने मदद करी है। 2021 की बात है, नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे विजिट करा था तो इसके बारे में भी इन्होंने बात करी थी। जो मेरिटी स्टूडेंट हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जिनको हायर एजुकेशन जिनकी छूट जाती है कुछ पैसों की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से, ये उनके लिए स्कॉलरशिप है, जो मेरिटी स्टूडेंट है, जो पढ़ने में अच्छे हैं और हाई स्टडीज़ तक जाना चाहते हैं, उनके लिए लॉन्च किया गया। फाइनली ढाका में इसको अनाउंसमेंट करी गई थी। क्लियर। सबसे बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका भारत में? तो सबसे बड़ा पूछेगा तो आप क्या बताओगे? कच्छ बताओगे। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो आप कच्छ बताओगे। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो क्या बताओगे? माहे। ज्योग्राफिकली ये एरिया जो है ये केरला में पड़ता है, ऐसे पुडुचेरी का एरिया है ज्योग्राफिकली अगर हम देखते हैं।